तुम उसकी चिंता मत करो मोगली, राधा और उसका परिवार ठीक ठाक होगा। ठीक कहते हो, माँ जी उसके साथ है। और तुम्हारी माँ के साथ सभी हैं। आओ चले। कितनी पुरानी बात हो गई है, जब हमने राधा के परिवार को बचाया था, लेकिन गांव वाले अभी तक ये बात भूले नहीं, वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। चमेली, मोगली ठीक कहता है, गांव वाले यकीनन वापिस आएंगे। मैं जानती हूँ वो जंगल को बर्बाद किए बिना नहीं मानेंगे, लेकिन हमें जंगल बचाना है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। माँ, गाँव वालों को हराने का एक रास्ता है, मैं हाथी से बात करता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा, उसने राधा को भी राजनगर पहुँचाया था। बहुत अच्छा विचार है मोगली, हाथी के साथ कुछ हिरन और भैंसों का झुंड भी रहेगा तो मनुष्य बहुत जल्दी ही दूर भाग जाएंगे। हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों को हाथी और दूसरे जानवरों के नेताओं से मिलने की इजाजत देती हूँ। ठीक, उनसे कहना हमारे जंगल को खतरा है, 2 दिन बाद हम सब गांव जाएंगे और हम मनुष्यों को नहीं उनके घरों को तोड़ेंगे।
हाथी जी, हम आपके बहुत एहसान मंद हैं। ये तो मेरा फर्ज था मोगली। बलदेव और उसके साथियों के बहकावे में आकर गांव वाले मूर्ख तकर बैठे, और मनुष्य जब किसी शैतान नेता की बात मानते हैं ना, तो ऐसी नीच हरकतें अक्सर कर बैठते हैं। मोगली, जंगल को बचाने के लिए गांव को उजाड़ना जरूरी था। आज से ये गांव भी जंगल में शामिल हो गया, और दो चार बरसातों के बाद तुम ये नहीं कह सकोगे कि यहां कभी मनुष्य भी रहा करते थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी।